हाँ माँ, क्या ठीक है माँ, मैं अभी निकलता हूँ। जाने से पहले एक बात तुमसे कहना चाहेंगे हम, जगमोहन प्रसाद। आइंदा अपनी बहू पर शक करने से पहले सोच जरूर लेना, 2 बार सोच लेना, क्योंकि वो अपनी जान दे देगी लेकिन अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी। आभा कहाँ गए? जैसे जैसे स्वाहा बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप हवन सामग्री हवन कुंड में डालते जाएंगे। ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम भूमाय स्वाहा, ओम वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। यजमान, पूजा संपन्न हुई। भगवान आपकी माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। आप भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, इन्हें दक्षिणा दीजिए। हे भगवान, मेरी तो यही प्रार्थना है कि कभी किसी बच्चे से उसकी माँ अलग ना हो। भगवान, हम चाहते हैं हम एक बेटी होने का फर्ज निभा सके, मगर हम मजबूर हैं। हमें एक बहू होने का फर्ज निभाना है। हम अपनी माँ को मिलने भी नहीं जा सकते, उनकी सेवा भी नहीं कर सकते। हमें बस इतना आशीर्वाद देना भगवान, हमारी माँ का साया हम पर हमेशा बना रहे। आभा, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो। चलो मेरे साथ। ये मंदिर है पापा, आपका घर नहीं जहां आप जब चाहें जिससे चाहे मनमानी कर लें। यहां कोई भी आकर पूजा कर सकता है। और मैंने कहा था ना आभा कि अगर हम घर पे पूजा करेंगे तो पापा कोई ना कोई अड़ंगा जरूर डालेंगे। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया आभा को लेकर माँ के श्राद्ध की पूजा करने के लिए। घर में पूजा अधूरी छोड़ के आए हो, पहले गलती कर चुके तुम दोनों, अब दूसरी गलती नहीं करने दूंगा तुम दोनों को। चलो मेरे साथ आप चलिए, हम आते हैं। करण, आज माँ की बरसी है, प्लीज गुस्सा मत करिए। चलिए। करण, हमें करना है फोन, हमें फोन करने दो। आप लोग बीच में ना आइए, हमें हमें फोन करने दो। आप आराम कीजिए मैम, आप बैठिए, नहीं आराम कीजिए। हमें पता करना है। मैं आराम करें। मामा जी बात कर रहे हैं ना, आप प्लीज आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं लग रहा है, क्या हो गया राघव भैया? आपने कोई आभा के बारे में क्यों नहीं बता रहा? माँ आप थोड़ा सा जूस पी लीजिए। हम आपके लिए कुछ खाने पीने को लाते हैं। क्या हो रहा है राघव भैया? जाओ अपनी माँ से मिला। और हाँ, आज से मैं तुम पर जो सारी बंदिशें थी वो खत्म कर दे रहा हूँ। जाओ फलों की टोकरी ले। हमारी बहू अपनी माँ से मिलने खाली हाथ नहीं जाएगी। जाओ भाई, जल्दी जाओ, फिर घर लौट के प्रतिभा की बरसी की पूजा भी तो करनी है। ले जाओ। कुछ नहीं चाहिए। पीजिए माँ। जब तक आभा का पता नहीं चलता हम पानी भी नहीं पिएंगे। थोड़ा सा पी लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी नहीं तो। ना ऐसा करेंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज हमें नहीं चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बहना। माँ मेरी बच्ची आभा, तू जा यहाँ से। तू जा, तूने वचन दिया था अपने ससुर को, वो तुम्हें ढूंढने यहाँ आए थे। तुम्हारा वचन टूट जाएगा। माँ, हमने अपना वचन नहीं तोड़ा। पापा खुद हमें यहाँ लेकर आए। सच? कैसी हो तुम? कैसे हैं आप माँ? हमें विश्वास नहीं हो रहा माँ। ये कैसे हुआ? जी माँ जी, पापा ने आपके लिए फल भेजे ये कहकर कि मेरी बहू अपनी माँ के घर खाली हाथ नहीं जाएगी। सच्चाई की जीत हुई माँ जी, आपकी आभा की जीत हुई। सच? अब हम आपसे कभी भी मिल सकते हैं माँ। कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। भगवान तेरी कैसी लीला है, जब दुख देता है तो इतना देता है कि इंसान सह नहीं पाता, और जब सुख देता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस अभी हम सामान लेके आ रहे हैं। आगे इसको आगे रखो। हाँ नहीं तो मैं नहीं कह रहा। सानिया थैंक्स अ लॉट इतना बढ़िया घर दिलाने के लिए। संस्कार, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई इसी बहाने मैंने भी दिल्ली दोबारा से घूम ली। रुको। कहाँ जा रहे थे? सर ये टीवी आपके कमरे में रखना था ना। किस? सानिया मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके किससे पूछ के तुम मेरे कमरे में जा रहे थे? सॉरी सर। तुम जाओ यहाँ से, कमरे का काम मैं खुद कर लूंगा। जाओ। सर लेकिन इसी बात के तो हमें पैसे मिलते। Get out! अच्छी लग रही हो आभा। मेरे साथ कितनी अच्छी लग रही हो आभा। बिल्कुल वो मेड फॉर ईच अदर टाइम्स। मैं दुख में नहीं देख सकता आभा। तुम्हें दुख होता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे आभा, ऐसे तुम ऐसी अच्छी लगती हो, मुस्कुराती मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूँ आभा। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां, वो सारी खुशियां जो हर लड़की का सपना होता है, वो सारी खुशियां मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। खुशियां मैं ही दूंगा आभा। आभा तुम्हें खुशियां मैं ही दूंगा आभा। आभा वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों ही खुश होंगे आभा। फिर देखना मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा आभा। बस तुम मुस्कुराती रहो। देखना बस ऐसे, बस आभा तुम और मैं, हमारी छोटी सी दुनिया, हमारा छोटा सा परिवार। आई लव यू आभा। आई लव यू आभा। आई लव यू। ये तुम्हारी खुशी है ना भाई। ये पल दो पल की खुशी है। ये ससुराल वालों की नजरों में ऊंचा उठना, ये छी। तुम्हारी तकदीर तो मेरे साथ है, तो फिर उसके लिए अगर ससुराल वालों की नजरों में या खुद की नजरों में गिरना पड़ा तो क्या? हाँ? ना आभा, I love you आभा। I love you आभा। I love you आभा।